so many events, itne sare, you know, trailer launches, song launches, amazing music T-Series has given us. I think this is the most emotional moment is samay pure parivar ke liye and for everyone who's here. And once again, thank you so much, Bhushan ji, for mere papa. You know, aapse hi shuruaat karunga main. You know, शब्द कम पड़ रहे हैं यार, सीरियसली मतलब मुझे प्लीज़ बताएं, गुलशन जी का जो सपना था उसको आप एक अलग ही आयाम तक लेके पहुंचे. मेरे पापा, वाई दिस सॉन्ग, और इसको वीडियो बनाने का कहाँ से मतलब लगा कि करना चाहिए? जब गाना बनाया था, एक्चुअली हमने एक इवेंट किया था पापा के लिए, सुरों का संग, उसके लिए एक गाना बनाने, तुलसी को एक गाना गाने के लिए वी वर थिंकिंग कि हम बॉलीवुड गाने गवाएं या कुछ कहें. सोनू निगम गेव मी द आइडिया कि हमें एक फ्रेश गाना बनाना चाहिए, लाइक वी मेक सो मेनी सिंगल्स, तो क्यों नहीं एक पापा के लिए आप गाना बनाओ जो सिर्फ मेरे पापा के लिए नहीं बट एवरीबडी कैन सिंग टू देयर फादर. सो वहाँ से ये आइडिया डेवलप हुआ. फिर जीत गांगुली को मैंने बुलाया, मिस्टर मनोज को बुलाया, उन्होंने आई थिंक ये 2 घंटे के अंदर उन्होंने भी दिल से लिखा. मैंने उनको बोला दिल से आप जो चीज़ बन सकती है ना आप ये सोच के बना दो, तो उन्होंने आई थिंक 2 घंटे में ये गाना बना लिया और रिजल्ट आप देख सकते हैं. बहुत ही इमोशनल गाना है. आई वॉज जस्ट रीडिंग, हमने अभी लाइव किया है और बहुत इमोशनल व्यूज आ रहे हैं लोगों के, विच इज़ वेरी वेरी गुड. सुरों के रंग में गाया था तुलसी जी ने इसको, तब भी सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे. अनिल सर, दिस वंस फॉर यू. गुलशन जी के साथ आपकी एसोसिएशन में बोलूँ, बहुत बहुत पुरानी है, प्लीज़ आप ही कुछ बताएं उसके बारे में. नहीं, द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल, एब्सोल्युटली इट्स वंडरफुल. एंड इसी क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप दिल से करो वो छूती है दिल को. और मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है आज, संगीत, गायकी, आप लोग यहाँ हैं, हम आए यहाँ, तो ये सब कुछ दिल से हो रहा है. तो जब दिल से चीज़ होती है वो हमेशा कामयाब होती है. और ज़रूरी नहीं कि उसे बहुत पैसा कमाया जाता है, मगर उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कमाई जाती है जो पैसे से बढ़कर होती है, बहुत बढ़कर होती है. तो ये एक ऐसी चीज़ है जो जो लोगों के दिलों में समा जाएगी. और जब भी कोई ये गाना सुनेगा तो उसको बहुत सी चीज़ों की याद आएगी, अच्छी यादें आएंगी, प्यारी यादें आएंगी, खुशी की यादें आएंगी, और एक किस्म की एक मुस्कान होगी चेहरे पर. और जितनी भी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं उन्हें वो याद होंगी. और मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बिना कहे लोग समझ जाते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ. बिल्कुल, लाइक फादर लाइक सन अक्सर हमने सुना है, लेकिन यहाँ पे लाइक फादर और लायक डॉटर हमारे साथ हैं. तो सोनम, आपसे जानना चाहूँगा एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि स्कूलिंग आपने जो की है तुलसी और खुशहाली के साथ की है, उसी स्कूल में थी आप? जी, तो सेम स्कूल. है ना, तब ऐसे आते थे, मतलब डैड आते थे, अनिल सर आते थे, गुलशन जी? डैड तो कभी नहीं आते थे स्कूल, आई डोंट थिंक सो, राइट? नॉट इवन फंक्शन में कभी छोड़ने या कुछ ऐसा कुछ होता नहीं? नन ऑफ आवर फादर्स एवर केम टू स्कूल. बिल्कुल सही कहा, हम लोग काम में मदर्स केम. वी वर ऑल इन आर्यदया मंदिर इन जुहू before they moved away and before I went to boarding school. So हम एक साथ ही स्कूल से, वी लेफ्ट स्कूल एट द सेम टाइम. आई यूज़ टू एक्चुअली बी वेरी फ्रेंडली विद तुलसी. वी यूज़ टू प्ले टुगेदर व्हेन यू वर यंगर. योर थॉट्स ऑन मेरे पापा, द वीडियो, वी जस्ट सीन इट. बहुत ही, आई थिंक आई यूज़ टू हियर हर सिंग इन लॉट ऑफ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स. हमारे स्कूल में इंटर स्कूल और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो शी यूज़ टू ऑलवेज वी वर इन द सेम हाउस, वी वर द्रोणाचार्य हाउस, तो ये गाती थी और मैं एक्टिंग करती थी प्लेज में और एलिक्यूशन और ड्रामा और वो सब. एंड वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अ हाउस और वी यूज़ टू नॉट ऑलवेज कम फर्स्ट बट वी यूज़ टू ऑलवेज पार्टिसिपेट. वी यूज़ टू ऑलवेज पार्टिसिपेट, बट इट्स रियली लवली टू सी हाउ एवरीबडी इज यू नो ग्रोन अप फ्रॉम स्कूल. अर्जुन वॉज ऑल्सो इन स्कूल विद अस एंड तो बहुत, आई मीन It's really changed a lot, and I'm so happy to see her sing this beautiful song for her dad. So it's really really nice, and you look really pretty in the song. I was just asking, aap gaati ho ki nahi? She's like, nahi, bilkul nahi gaati hu main. So it's good. I also do a lot with my sister. We are constantly always together doing things. So it's always great to see two sisters
kind of collaborate and do things together. Talking to both of you sisters now, मुझे ये बोलो कि पापा की ज़्यादा लाडली ऐसा कौन कभी होता था? मैं ज़्यादा लाडली नहीं, तुलसी थी, मैं ज़्यादा लाडली थी हमेशा से. खुशाली ऐसे कैसे, मतलब इतनी जल्दी से आपने छोड़ दिया? नहीं, आई थिंक क्योंकि वो छोटी थी और साथ में पापा ने तुलसी को बहुत मांग मांग के लिया था माता से, सो वो हम सबकी लाडली है अभी भी. बिल्कुल सबकी लाडली तुलसी कुमार, यू जस्ट डन वंडर्स विद योर वॉइस. और क्या दिख रहे हो आप लोग उसमें? मेरे पापा, हां थैंक यू. बहुत क्लोज सॉन्ग है, ऑफ कोर्स पापा के लिए है. म्यूजिकल लैंग्वेज, जो पापा म्यूजिक सबसे ज़्यादा पापा को बेहद पसंद था, और एक गाने के थ्रू हम उन्हें आज एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं. और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक सिंगर बनूं, और जब मैं बहुत छोटी थी तो सिर्फ बहुत छुप छुप के गाती थी. आई वॉज अ वेरी शाई गर्ल. तो पापा वॉज द वन जिन्होंने मेरा टैलेंट स्पॉट किया एक बहुत यंग एज में, और His blessings are always with me, and he's just there with me always. That's what I think. He's there with the entire fraternity, I would say. Unki blessings, unke you know music ke saath aur sab log ke saath hai yahan pe. Now, jaise hum sab ke saath yahan pe ye amazing log hain. So it's over to the media. Aap log ke jo bhi shak sawal jo bhi hain, aap log pooch sakte hain. नहीं, मेरे डायरेक्टर ने सोचा था, लेकिन मैं एज यूजुअल बिहाइंड द कैमरा ही रहना पसंद करता हूं, तो इसलिए मैं वहां से भाग गया. नो, आई डोंट थिंक सो. आई एम हैप्पी बिहाइंड द कैमरा. हाय सोनम, आलोक दिस साइड फ्रॉम. हाय, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूं, आप कैसी हैं? बहुत ही अच्छी हूं. सवाल मेरा यह है कि कभी कपूर साहब के लिए आपने कुछ कभी एसे टाइप का या माय डैड या कुछ ऐसा कभी लिखा या कुछ ऐसा डेडिकेशन किया? नहीं, डैड हैव आई नथिंग. नहीं या कपूर साहब, आपको कुछ अगर याद आता हो कि सोनम ने बचपन में कोई ऐसा गिफ्ट या? मैं एक्ट्रेस बन गई यार, ऑब्वियसली इट्स बिकॉज़ आई लुक अप टू माय फादर. और यूजुअली कहते हैं ना कि गर्ल्स वांट टू बी लाइक देयर मदर एंड बॉयज वांट टू बी लाइक देयर डैड. आई वांटेड टू बी लाइक माय डैड. मेरी पर्सनालिटी भी एकदम सेम ही है. My mom gets very irritated with me now because of that. So I think वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी I think you can see, and obviously I'm my dad's favorite. मेरे को ये भी पता है. कपूर साहब कुछ तो कहिए अब. क्या कहूँ मैं? बस मैं ये कहूँगा कि गाना बहुत ही खूबसूरत है ये, क्योंकि कब ऐसा महसूस होता है कि अब सब बातें कर रहे हैं मगर मेरे कानों में यह गाना गूंज रहा है, इसके सुर गूंज रहे हैं, इसकी आवाज़ गूंज रही है, मतलब गाने में बात है. क्योंकि बात चल रही है मगर एक बैकग्राउंड में उसका, वो अब तक उसका हैंगओवर है, वो चल रहा है, बंद नहीं हो रहा, उसका एक बज़, उसका एक आवाज़, उसका एक सुर. तो इस वक्त वही मेरे जहन में है, इसकी ट्यून, इसकी गायकी, इसकी पिक्चराइजेशन बहुत ही खूबसूरत है. और मैं अपने बारे में क्या कहूँ या सोनम के बारे में क्या कहूँगा, क्योंकि ये मैं बस भूषण जी के बारे में कहूँगा, गुलशन जी के. मैं बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स यू नो हु हैज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग with Bhushan ji as well as Gulshan ji. And not only that, maine kaam kiya unke saath, mar bahut waqt guzara hai unke saath. Aur I don't know, jab bhi main unko milta tha to aisa lagta tha ki unke chehre ko dekhkar mujhe aisa lagta tha jaise ki itna bhola bhala, itna innocent, her smile, and aisa lagta tha ki har cheez mein संगीत टपक रहा है उनके हर लफ्ज़ में, और उन्हें बस संगीत बनाना था और क्रिएट करना था, यू नो. एंड इट वाज ऑल अबाउट म्यूजिक, हिज लाइफ इज ऑल अबाउट. मैटर ऑफ फैक्ट, आई फील समवेयर गुलशन जी यू नो हैज़ रियली, देर वर अदर म्यूजिक कंपनीज अर्लियर ऑल्सो, बट आई थिंक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन
टू इंडियन म्यूजिक, नॉट ओनली बॉलीवुड म्यूजिक और हिंदी फिल्म म्यूजिक और बट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑल द म्यूजिक्स इंक्लूडिंग व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वैष्णो देवी, वहाँ भी जो वैष्णो देवी की जी पूरे जो पूरा जो वहाँ के लिए जितना उन्होंने किया है किसी को पता ही नहीं है कि मोस्ट ऑफ हिज अर्निंग्स यूज टू गो इन दैट, ये सब चीज़ें करते थे. तो मुझे लगता है कि इतना उन्होंने दिया है संगीत के लिए और चैरिटी इतनी की है और लोगों के लिए इतना किया है. आई थिंक दैट्स द रीज़न हिज चिल्ड्रन आर यू नो वट एवर ही द हार्ड वर्क ही पुट इन. और कभी कभी होता है ना कि यू नो के आई थिंक ही मस्ट बी स्माइलिंग अप ओवर देयर, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी दैट हिज चिल्ड्रन आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब. एंड आई थिंक टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द पेरेंट्स इज द बेस्ट थिंग चिल्ड्रन कैन डू एंड दे आर वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम श्योर ही इज ब्लेसिंग देम एंड गोइंग टू ब्लेस देम फॉर एवर, नॉट ओनली दिस जनरेशन बट द नेक्स्ट जनरेशन विच इज गोइंग टू कम फ्रॉम द कुमार फैमिली. तुलसी, हमने भूषण सर से तो कई दफ़े सुना है, उन्होंने आशिक की फिल्म के गानों का भी जिक्र किया था बहुत पहले, आप भी ज़रा अपने कुछ जो एक्सपीरियंस रहे डैड के साथ ज़रा शेयर करना चाहें. एक्चुअली पापा के साथ यू नो आई वाज वेरी यंग और मैं जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत गुनगुनाती थी टीवी देख के, बट अगेन आई वाज वेरी शाय एज अ पर्सन. सो he was the one who actually pushed me. Unhone mujhe Suresh Wadekar ji ki academy mein dala aur wahi se mera ek singer banne ka jo dream hai that started. So wherever I am today I owe it to my father and ek musical tribute diya hai unhe. Sabhi emotions jude hain, not just mine but even Khushali's, bhai's, hum sabhi ke. So as Anil ji said, I'm sure he will be very happy and he will be smiling up there today. Tulsi, आपसे सवाल है, Khushali आपसे भी सवाल है. जब मम्मी ने ये वीडियो देखा तो क्या उनका रिएक्शन था, बताएं. I think जब मम्मा ने ये देखा और मैं कहूँगी सबने actually ये सब emotions से relate किया, ये तुलसी के हमारे भैया के और मैंने भी जब तुलसी को rehearse करते हुए सुना था, जब उसने स्टेज से पहले परफॉर्म किया मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. इवन ड्यूरिंग द शो आई कुडंट कंट्रोल माय इमोशंस. और ये एक खाली, जैसे सबने कहा, ये खाली गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है पापा के लिए. और आई थिंक हर एक डॉटर से उनके फादर के लिए एक ये एक स्पेशल गिफ्ट है. और मेरे को लगता है कि सब बच्चे इससे रिलेट कर पाएंगे एंड दे वुड वांट टू डेडिकेट दिस टू देयर फादर. एंड मम्मा बहुत इमोशनल हो गई थी जब उन्होंने तुलसी को भी परफॉर्म करते हुए सुना था. तुलसी, आप भी कुछ बोलें. सारी बात उन्होंने एक्चुअली बोल दी. तो मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गई थी. आई एम श्योर जीत दा अग्री करेंगे, क्योंकि पहले दिन जब मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करने गई आई कुडंट रिकॉर्ड दिस सॉन्ग, आई जस्ट ब्रोक डाउन. एंड फिर विनोद जी ने मुझे बहुत इनकरेज किया था, आई रिमेम्बर, एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. एंड ऑफकोर्स पापा वॉज ब्लेसिंग मी एंड दैट्स हाउ द होल सॉन्ग हैपेंड. एंड सब ने बहुत ही इमोशनली कनेक्ट किया इस गाने से, विच इज़ आई थिंक जैसे अनिल जी ने कहा, दिल से जब कुछ काम करते हैं तो वो दूसरों के दिलों को कनेक्ट ज़रूर करता है. अनिल सर, आज हम पहली बार आपको इतना इमोशनल देख रहे हैं, क्या बातें आपके माइंड में चल रही हैं कि सोनम को लेकर या अपने परिवार को लेकर, जो भी बातें हैं कुछ बताएं. जी, इनको एडवांटेज ये था कि इन्होंने ये गाना पहले देख के सारे इमोशंस हो चुके थे काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली इमोशंस तो हैं, वो तो सारी ज़िंदगी रहते हैं. बट मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है आज इन सब ने. अब क्या कहूँ. माय दादा वाज नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल. He used to, we were all very, I mean, he was very, very
amazing human being. Everybody says that about my grandfather. We were very, very close. All of us are very, very close. Our families have been very close. My family, we are close to... All of us are, you know, we're together all the time. My dada used to actually stay right next to their house. And he used to go every evening. He used to go for a walk and he used to come back and have his whiskey. And like any Punjabi grandfather... And his, namkeen in the evenings. And we used to sit and talk to him and chat with him. And yeah, so we've all had an incredible relationship with my grandfather, my dada. And we all obviously miss him a lot. That's not true. He just wanted me to fill. Ji. My father was very keen on me becoming an actress, but after I studied, my mother was not keen at all. So my father is very scared of my mom, so that's why he was also not keen. So, but he was the one who actually... I'm scared of all of them, yeah, to be honest with you. I'm scared of all girls, all women, you know, because I feel that they are superior. Superior. No, so my mom wanted me to finish my studies and I wanted to get into acting. But my father has been the one who's encouraged me and supported me the most, including my mom, quite a bit through my career. I've been working since I was 21 and I started assisting when I was 17, 18. So they've always supported me. Didn't matter what time in the night I came back home, how many hours I worked, never questioned me once about it. I mean, a lot of people say that, you know, my parents brought me up like a boy. No, my parents brought us all up the same way, gave us equal opportunity, the same love and the same push in every which way. So that is only if they encourage you. There's no qualms. Ki sirf padhai kyun nahi ki, padhai kyun nahi khatam ki. Matlab, 12th pass hu yaar, achhi baat nahi hai. So. Anil ji, on your left, yahan. अनिल जी, हमने देखा है कि आपके बेटे हर्ष वर्ष आप कहाँ हैं? यहाँ आपके ठीक सामने, लेफ्ट लेफ्ट खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. कहाँ हैं आप? ये आप वही हैं जो हमेशा रहते हैं? वो तो नहीं है ना, ये वही है वो. मैंने बोला ये चुपचाप क्यों इतना टाइम से. हाँ जी, भले बताइए. क्या जी, हमने देखा आपके बेटे हर्षवर्धन का भी फर्स्ट लुक आया है. हमने, हाँ. मैंने नोटिस किया कि वो सेम आपकी तरह हैंडसम. नहीं, बिल्कुल मेरे जैसे नहीं लगता. उसको बोलेंगे बहुत अपसेट हो जाएगा. दैट्स नॉट, उनकी फिल्म भी आ रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरे जैसा वो, मतलब मीलों तक मेरे जैसा नहीं है वो. बिल्कुल अपनी माँ पे गया और यू नो, और वो एनी बिलीव्स इन इट. मतलब इन अ जोकिंग, ऑब्वियसली हम लोग हंसी मजाक बहुत करते हैं एक दूसरे से, तो वो हमारा एक रिश्ता है हम सब में. तो मेरे ख्याल से ये जो प्लेटफॉर्म है, इस वक्त हम इसी संगीत के बारे में बात करें और यू नो, इस गाने के बारे में बात करें तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से. फॉर स्पेशली हर्ष इज वेरी स्कैरी वो. हाँ, तो हम लोग बहुत डरते हैं उससे. उसके बारे में बात करने से पहले उसे पूछना पड़ता है हमें. वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन. भूषण जी, आपसे सवाल है. आपको अपने फादर की कोई भी एक ऐसी बात जो याद होती हो, हर बड़े फैसले लेते वक्त, या कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा याद रखते हो? उनका इंस्टेंट एक म्यूजिक पे रिएक्ट करना, वो चीज़ मुझे अभी तक याद है. एंड ये हुआ था जब आशिकी का म्यूजिक बना था. दैट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर कि उनका बिलीफ, जो उन्होंने जब पहली बार मुझे भी रिलीज से पहले गाने सुनाए थे, एंड उनका बिलीफ था कि ये म्यूजिक बहुत बड़ा म्यूज़िक होगा और ज़िंदगी भर ये म्यूज़िक चलता रहेगा. एंड उसी का आज नतीजा है. हमने 22 साल बाद वी हैव रिलीज दैट सॉन्ग, रिक्रिएटेड दैट सॉन्ग अगेन, एंड इट हैज़ अगेन डन वंडर्स. एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा गुलशन जी के बारे में, कि उन्होंने कभी कभी वो किसी भी, जब किसी नए कलाकार को जब वो उस पर जब बैक करते थे, तो वो किसी से नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते. He used to believe in this singer, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, वो सिंगर हो, कोई भी हो, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती थी. मैं इस पर बिलीव करता हूँ और मैं इसे बैक करूँगा, चाहे मुझे लोग पसंद करें या नहीं पसंद करें. मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं इस पर बिलीव करता हूँ और मैं इस पर पैसा लगाऊँगा और इसे
ये इसका संगीत सुपर हिट होगा, और वो होता था. दैट वॉज द ग्रेटनेस ऑफ गुलशन जी. ये तो हम लोग क्या है, हम लोग सब घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं सब, हम सब में हमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं, और बोलते यार इतना वो सीनियर आदमी है और इतना कामयाब आदमी है और कामयाब लोग हैं, तो उनसे यू नो पावरफुल लोग हैं, अगर मैंने उनसे यू नो टक्कर ली या टक्कर लिया या कुछ उनसे कुछ ऐसी बात की तो शायद मेरे करियर को फ़र्क पड़ेगा, मेरे बिजनेस को फ़र्क पड़ेगा. बट ही वॉज़ अ वेरी वेरी फियरलेस बिजनेस मैन, अ फियरलेस क्रिएटिव पर्सन, वेरी वेरी फियरलेस. एंड दैट्स द रीज़न ही मेड सच अ बिग एम्पायर. ओनली फियरलेस पीपल कैन मेक सच एम्पायर्स. डरे हुए लोग नहीं बना सकते. तुलसी जी, हम सब जानते हैं कि गुलशन जी को म्यूजिक से बहुत प्यार था, तो ऐसा कोई गाना है जो उनके दिल के करीब हो और अगर दो लाइन अगर गुनगुनाना चाहे? सब मेरी फिल्मों के गाने. तेजाब, मिस्टर इंडिया, बेटा, सॉरी हम ऐसी मजाक करो. डेफिनेटली आई थिंक अनिल जी ने जो कहा उसके बाद अब से धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना उनका फेवरेट गाना था, इसलिए आई वाज इन द वीडियो, डोंट फॉरगेट, नई वाली जो वीडियो है इसलिए वो पूरा रिक्रिएट किया गया था, बिकॉज़ दैट वाज वन ऑफ माय पापास फेवरेट सॉन्ग्स. नहीं नहीं, वो सब वो सिस्टर्स के लिए मेरी सोचते थे. नो नो, आई विल टेल यू, ही ऑलवेज वांटेड, ही इज द रीइनकार्नेशन. He's the reincarnation of Gulshan ji. You know? And लोग बोलते हैं कि हिंदू में, हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें होती हैं और पूरी दुनिया, हिंदू में नहीं मेरे ख्याल से सब में होता है ऐसा, मुझे लगता है हिंदू, चलो कोई बात नहीं. मुझे इतने रिलीजन के बारे में पता नहीं है, मगर आई बिलीव इन द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लव, बट आई फील ही इज द reincarnation of Gulshan ji. Pushan. Thank you so much, ladies and gentlemen. Tulsi ji, ek do line gungunate hai mere papa ki, agar yahan pe to sahi rahega. Meri zameen aasma mere papa, main hu jahan hai wahan mere papa, mere papa, mere papa, mere papa, mere papa. This one's only for you, my papa. Thank you. Thank you to everybody for being here. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your time. Thank you so much.